अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मुद्दों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने इसकी शुरुआत पर्यावरण संरक्षण से की, जो इस वक्त तमाम देशों की चिंता बना हुआ है। यही नहीं, पीएम मोदी ने भारतीय संस्कारों के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। वी बिलीव माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीया, दिस मीन्स अर्थ इज अवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। इंडियन कल्चर डीपली रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट एंड अवर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस कमिटमेंट को पूरा किया है। वी बिकेम द ओनली G20 कंट्री टू मीट इट्स पेरिस कमिटमेंट। वी मेड रिन्यूएबल्स अकाउंट फॉर ओवर 40% ऑफ अवर एनर्जी सोर्सेस। इस दौरान एक बार फिर से पीएम मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा देते हुए पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर दुनिया के सभी देशों के साथ आने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में इन तमाम मुद्दों पर चिंता जाहिर की और इनसे निपटने के तरीके भी सुझाए। रूस यूक्रेन युद्ध पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, दोनों देशों को संवाद से संग्राम को टालने की कोशिश करनी चाहिए। The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I've said directly and publicly, this is not an era of war. जबकि आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसे उनके पैरोकारों का नकाब भी उतार दिया। More than two decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. भारत अमेरिका के मजबूत होती साझेदारी और तमाम सेक्टर्स में बढ़ते सहयोग पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लिखी एक कविता भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो अमेरिकी संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। कमला हैरिस और केविन मैकार्थी से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने तमाम कांग्रेसमैन का हाथ मिलाकर अभिवादन किया, लेकिन जब वो अमेरिकी संसद से बाहर निकलने लगे तो वहां के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। कई सांसद प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते और सेल्फी लेते नजर आए, जबकि कुछ सांसदों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ भी लिया। काफी देर तक पीएम मोदी अमेरिकी सांसदों से मिलते रहे। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया और उनकी तारीफ भी की। कांग्रेस पार्टी में पीएम पर तमाम आरोपों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर उनका समर्थन करते नजर आए। आचार्य प्रमोद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखते हुए पीएम का अमेरिकी संसद में संबोधन का वीडियो शेयर किया। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की होड़ मच गई। पीएम मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया और हर किसी के साथ सेल्फी लेते दिखे। सभी सांसद अब ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पत्रकार के साथ साथ दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पत्रकारों ने पीएम मोदी से सवाल भी पूछे। इस दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? अमेरिकी पत्रकार के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी आत्मा है और उसे हम जीते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है, संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को परिभाषित करने के साथ साथ अमेरिकी पत्रकार के सारे आरोपों को नकार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी भारत में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उनसे भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मसले को नजरअंदाज करने के आरोपों पर भी सफाई मांगी गई, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का उदाहरण देकर पत्रकार को चुप करा दिया। जो बाइडेन ने कहा कि चीन और अमेरिका के जैसे रिश्ते हैं, उससे भारत और अमेरिका के संबंध एकदम अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं। Is that there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies and it's a common democratic character of both our countries that and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate. And I believe that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA. Joe Biden ne kaha ki meri pradhanmantri Modi se loktantrik mulyon ko lekar achhi baatcheet hui. There is the that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. जलवायु परिवर्तन के सवाल पर बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि ये मानवता के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत को ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज के दौरान टोस्ट उठाते हुए कुछ हल्के फुल्के पल भी साझा किए। चूंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी दोनों ही शराब नहीं पीते, ऐसे में टोस्ट रेस के वक्त बाइडेन ने अपने दादा की सलाह को याद किया। बाइडेन ने बताया कि उनके दादा एम्ब्रोस फिनगेन कहा करते थे कि अगर बिना शराब वाले टोस्ट रेस करनी हो तो बाएं हाथ में गिलास होना चाहिए। And you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. Biden का इतना कहना था कि पीएम मोदी ठाह के लगाकर हंस पड़े। You think I'm kidding? I'm not. पीएम मोदी की हंसी देखकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। You think I'm kidding? I'm not. अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात को जैसे ही अनुवादक ने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की, पीएम मोदी और बाइडेन के अलावा मौजूद वहाँ सभी मेहमान हंसने लगे। प्रधानमंत्री जी आप Z News.